बड़ा पैनल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गया है। सतीश सरीन जी जो कि बीजेपी नेता है, राधेश्याम तंवर जी जो कि कांग्रेस विचारक है, भंवर सिंह जी जो कि लेफ्ट से नेता है, शंकर अग्रवाल जी जो कि टैक्स सलाहकार हैं, और अभिनव राजवंशी जी हैं टैक्स सलाहकार, कोठारी जी भी हैं टैक्स सलाहकार भी कह सकते हैं आप, अर्थशास्त्री भी कह सकते हैं, सलाहकार में ही आ गए आप, अर्थशास्त्री भी आ गए। तो अब शुरुआत करती हूँ, तो बीजेपी से शुरुआत करूंगी। सरीन साहब आप तो पूरे पूरे नंबर देंगे, प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं, लेकिन सर ये होगा कैसे? एक सवाल सबके जहन में, क्या योजनाएं होती हैं, एक सोच होती है, लेकिन सोच को धरातल पर उतारना बहुत बड़ा काम हो जाता है, उसके लिए कैसे तैयार? देखिए बजट हमेशा योजनाएं होती हैं, लेकिन उसको धरातल पर उतारना, ये बीजेपी का आपने ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, बीजेपी ने जो बोला है, चाहे अपने घोषणा पत्र में बोला है, चाहे उसके बाद बजट में बोला है, उसको पूरा किया है। और ये भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट होता है मैडम, देखिए उसमें समय लगता है। अच्छा। चाहे वो आप वेयर हाउसिंग की बात करें, एक दिन में ओवरनाइट कुछ नहीं बनता है, हर काम के लिए समय चाहिए। और जो जो इस बजट में बोला गया है वो आप देखिएगा, जो जो जिस साल तक बोला गया है उस साल तक पूरा होगा। अच्छा, एक मैम छूट गई, दीपिका जी छूट गई, दीपिका जी भी यहाँ पर टैक्स सलाहकार है, लेकिन टैक्स पर सबकी निगाहें थी। दीपिका जी आपसे शुरुआत कर लेती हूँ, खासतौर पर महिलाओं की नजर थी कि शायद उनको कुछ अलग से यहाँ पर रियायत मिले, लेकिन ऐसा सच कुछ हुआ नहीं, जो लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है जितने भी बजट आ रहे हैं। लेकिन इस बजट को लेकर बहुत कंफ्यूजन की सिचुएशन रही, स्टार्टिंग से लेकर अब तक हम उसको समझने की भी कोशिश कर रहे थे कि ये 5% वाला मसला क्या, कि 5 लाख तक का जो स्लैब है, 2.5 से 5 लाख, उसमें 5% है या नल है, कैसे मिलेगी राहत, और ये घुमाकर कान को दूसरी तरफ तरीके से पकड़ने की बात क्या हो गई, कि एक तरफ यूथ को आप खर्चा करने के लिए भी मोटिवेट कर रहे हैं कि वो सेविंग नहीं करें तो ये स्लैब जो चेंज है, जो नया प्रावधान है, वो उनके लिए है, दूसरी तरफ आप पुराना भी विकल्प अपना सकते हैं, तो क्या वो जो एक सर्टेन एज 30+ 35+ जो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाते हैं, उन दोनों को साधने की कोशिश कि मार्केट में पैसा भी आए और दूसरे लोग जो हैं जो सेफ्टी के लिए जो घर वगैरह ले चुके हैं, EMIs चुका रहे हैं, उनके लिए भी एक सहूलियत रहे। देखिए मैं इस स्टेप को गलत नहीं मानती हूँ, उसका रीज़न एक आप देखिए कि जो सेक्शन 80C है वो एक लिमिट अपने चैप्टर 6A के जितने भी वो प्रोविजंस हैं, दे आर लिमिटेड टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आप LIC के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप स्पेसिफिक हो गए अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ। आज के यूथ का दिमाग देखें तो मैं चाहूँगी कि इन्वेस्टमेंट उस दिशा में हो जिस दिशा के अंदर मैं करना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मेरे को टैक्स सेविंग करनी है। सो दे हैव लीव देम ओपन, ओके फाइन, आपको जहाँ टैक्स सेव करना है आप वहाँ पर टैक्स सेव कर सकते हैं और आप अपना पैसा बचा सकते हैं। जिसको बचाना होगा वो हर हाल में बचाएगा, जिसको नहीं बचाना वो कैसे भी नहीं बचाएगा। ठीक है, एक और गेस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपेंद्र लोनीवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, होटल उद्यमी हैं। शुरुआत जिस तरीके से सतीश जी आपके साथ की गई और आपने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करती है, सर याद होगा कि 5 साल पहले कहा गया था कि राजस्थान में आदर्श गाँव बन जाएंगे, हर सांसद बना देंगे, सर कितने आदर्श गाँव? देखिए हर सांसद को आदर्श गांव का, पूरे देश में, राजस्थान का, पूरे देश में हर सांसद ने आदर्श गांव की शुरुआत की थी, देश में ही कितने आदर्श गांव कार्य हो रहे हैं। कोई भी, मैंने आपको बोला हर चीज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सर ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है, अगर एक गांव को आप आदर्श 5 साल में नहीं कर पा रहे हैं तो यही बता दीजिए जो बजट एग्जीक्यूट करने की बात आ रही है उसको कितने सालों में करेंगे? देखिए आदर्श गांव की जो योजना है वो किसी भी MP के बजट से होती है, उसमें उतना बड़ा बजट नहीं होता है जितना कि बजट अपने जो यूनियन बजट में होता है, बड़ा होता है उसकी पॉपुलेशन भी, पर उसका भी MPs की भी एक लिमिटेशंस है, उसमें बहुत बड़ा बजट नहीं होता है, तो वो धीरे धीरे समय पे होने वाली चीजें हैं। ठीक है सर, दूसरा सवाल मेरा आपसे, कोई बात नहीं छोड़ देते हैं सर, मैं जानता हूं अभी 4 साल हो रहे हैं, हो सकता है उसमें आदर्श गांव बन जाए। दूसरा सवाल मेरा आपसे ये कि देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिर रही, GDP नीचे गिर रही है, तो ये बताइए सर जो ये बजट बनाया और उसमें कितने परसेंट का आपने इजाफा कर दिया हर बजट के अंदर, पैसा कहाँ से आया? देखिए पहली बात तो ये आर्थिक मंदी पूरी वैश्विक है, देश की इन्होंने जब, अभी आपने सुना होगा आज हमारी वित्त मंत्री ने बोला कि 10% अनुमानित बढ़ोतरी होगी, ग्रोथ होगी, GDP 10% के हिसाब से 10% जो अभी है, अभी है उससे 10% ग्रोथ, बहुत बहुत मतलब वो भी स्लो चल रहे हैं, बहुत ज्यादा ये नहीं है कि हमने आपको बता दिया है कि हम 100% GDP में ग्रोथ कर देंगे। 2019 के बजट से 2020 का बजट कितने परसेंट ऊपर है? देखिए 2019 के बजट में जो जो कमी, क्योंकि वो इंटरम बजट था, उस बजट में पूरा साल नहीं था, 18 का लगा लेते हैं सर, कोई बात नहीं क्योंकि इजाफा तो बम्पर होता है। देखिए 18 के बजट में और आज के बजट में फर्क है, आज हम वैश्विक मंदी से गुजर रहे हैं, उस टाइम पे वैश्विक मंदी अभी इतनी नहीं थी देश में सर, लेकिन उसके बाद भी तो बजट बढ़ाना है, राजेश कोठारी सर बजट को इस तरीके से बढ़ा दिया जाता है जैसे पैसा कहीं से भी आ जाएगा और उसके बाद फिर सारी योजनाएं जो है वो जो हाल उनका होता है हर कोई जानता है। क्या इस बजट में भी आपको ये दिखाई दिया कि वैश्विक मंदी के बावजूद 5% की अर्थव्यवस्था के बावजूद
बजट में बहुत ज्यादा इजाफा किया गया। इसमें कुछ एड ऑन करना चाहूंगी, मेरा सवाल इसी से मिलता जुलता है। कोठारी जी, थोड़ा सा तो इंक्रीज देखते हैं, हर बजट से बजट आप जाते हैं तो बढ़ता ही है। अब यहाँ पर जो सिचुएशन है उसके हिसाब से क्या फिजिकल डेफिसिट जो है आपका राजकोषीय घाटा, उसको आपने थोड़ा साइड किया है, थोड़ा साइड किया क्या उसको? मैं अपनी बात देखिए, सिर्फ कुछ दिन पहले मैं पढ़ा करता था, सुना करता था और बच्चों को पढ़ाया करता था, भारत विश्व की तीसरी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और आज मुझे मालूम चला हम पांचवें नंबर पे पहुंच गए। 9.5% की ग्रोथ रेट थी, सतीश जी एग्री करेंगे मेरे को, आज हम 2.5% ग्रोथ रेट के ऊपर है। ठीक है, ना शर्म है, ना रिग्रेट है, ना पश्चाताप है। लेकिन कोठारी साहब, इसमें चाइना का भी जिक्र कर लीजिए सर, उनकी भी तो गिरी है, जो सबसे ज्यादा अगर अमेरिका पूरे, अगर आप एक पूरे आर्थिक उसको देखिए वैश्विक, तो उसमें तीन कंट्री हैं, अमेरिका, चाइना और इंडिया, जिनकी सबसे ज्यादा शेयरिंग होती है, उसमें चाइना भी तो स्लो डाउन में आया। छोड़िए, मैं अपनी बात कर लूं, फिर आपके पास पूरी सुनूंगा। भारत विकासशील राष्ट्र से लो इनकम राष्ट्र की श्रेणी में आ चुका है, ये है वर्ल्ड बैंक का लेटेस्ट रिपोर्ट। अब मेरा दोस्त कौन है? पाकिस्तान, आओ साथ चले, तंजानिया साथ चले, ये है हमारी आर्थिक उपलब्धि। सरकार अगर पारदर्शिता से आती, ऑनेस्टी के साथ में आती, ये कहती भैया 18-19 के बजट में हमने ये आपसे वायदा किया था, ये लीजिए मेरा स्कोर कार्ड। ठीक है, अंतरिम बजट में हमने आपसे ये वायदा किया था, ये लीजिए मेरा स्कोर कार्ड, तो मैं खुश होता कि सरकार में पारदर्शिता बची हुई है। क्या किया हमने? कोई भी राष्ट्र तीन चीज से चलता है, बचत, निवेश एवं रोजगार। ये टैक्स तो बहुत दूर की चीज है, सरचार्ज और भी दूर की चीज है, अरे इनकम ही नहीं है, आप क्या टैक्स में कंपाउंड नहीं कराओगे, क्या सिंप्लीफाई कराओगे, क्या एटीसी और क्या एटीडी और क्या एटीआर के बेनिफिट मेरे को दोगे? यही बात। तो पहली जरूरत मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ना तो बचत बढ़ी, ना निवेश के अवसर मिले, और रोजगार तो आप जानते ही हैं, 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी हम लोग झेल रहे हैं। जो लोग कहते हैं भारत वैश्विक मंदी का हिस्सा है, मैं उनसे बिल्कुल असहमत हूँ। क्यों असहमत हूँ? 2008 के अंदर भी वैश्विक मंदी थी, भारत महफूज था, सुरक्षित था, क्योंकि हमारे देश में शायद हम सब लोग एक सैलरी क्लास या अर्निंग करते हैं, चाहे ना चाहे 30% से 32% सेविंग हम लोग हर साल करते हैं अपनी इनकम का। वो LIC के जरिए करें, वो सोना खरीद के करें, वो घर में कैश रख के करें, वो हम करते हैं, वो आज बजट सरकार ने खत्म कर दी है। सो जब बचत नहीं है तो निवेश कहां से होगा? आज भी वही हम आप आज कहां देख रहे हैं? अमेरिका इन्वेस्टमेंट करेगा, मोदी जी पूरी दुनिया घूम आए, वर्ल्ड लीडर बन गए, हेड्स ऑफ द विजडम, पर एक रुपया मार्केट में भी आया नहीं है, क्योंकि आपका मेक इन इंडिया आपके हो गया असेंबल इंडिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसी पे शंकर जी आपसे भी सवाल है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, आप सुन लीजिए मेरी बात, आपने आपको बताया। हाँ। तीसरी बात आप समझने की कोशिश करेंगे कि जिससे रोजगार बढ़ सकते थे वो सरकार ने छुआ नहीं है। किसानों को एक बार फिर हमने बरगलाने की कोशिश करी है, सरकार में ऑनेस्टी होती, सरकार ये कहती आपकी जो भी उपज है मैं खरीदूंगा, मैं मींस गवर्नमेंट खरीदूंगा, आपको किसी साहूकार के बेची जरूरत नहीं होती है, हमने लंबे चौड़े इसके लुभाव दे दिए, अब तुम ऑर्गेनिक खेती करो, तुम सोलर प्लांट लगाओ। अरे खेती वैसे ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र होता जा रहा है, और सरकार उसको आश्वस्त करती कोई बात नहीं, तुम्हारा नुकसान मेरा नुकसान है, जैसे मैंने मोदी का, माल्या का, या 3,40,000 करोड़ के जो लोन वेव ऑफ करे मैंने NPA के अंदर, तुम्हारा भी हम वेव ऑफ कर देंगे, तुम चिंता मत करो, कम से कम तुम गेहूं तो पैदा कर रहे हो। ये सरकार को समझना शंकर साहब, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इतना सारा लोन आप माफ कर दें इस सिचुएशन में? पहली बात तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, ये बात बिल्कुल ही गलत है। 100% कि किसी का भी लोन वेव किया है। लोन किसी का भी वेव नहीं किया है। NPA के बाहर गया है तो बिल्कुल गलत है। NPA वो चोरी करके का रिकवरी प्रोसेस चालू है, रिकवरी प्रोसेस रिकवरी नहीं हुआ है, वो तो NPA में डाल देते हैं, रिकवरी प्रोसेस वो बड़ा घोषित करके वापस नहीं, वो राहुल गांधी भी बार बार सारे देश भर में घूमते हैं, रिकवरी की बात मित्रों का जो है लोन माफ कर दिया, अपने मित्रों का उद्योगपतियों का लोन माफ कर दिया, वो भी नहीं समझते हैं इस बात, रिकवरी हो रही है ना सर, रिकवरी भगोड़ा घोषित तो हम भी ऑडिट करने जाते हैं तो उसको NPA में डाल देते हैं ऑटोमेटिक। आजकल तो कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया, ऑटोमेटिक चला जाता है, हमें डालने की जरूरत नहीं है, जब मैनुअल होता था तो हम डालते थे जाकर के, तो वो NPA में चला जाता है। NPA में जाने का मतलब ये नहीं है कि वो हमने वेव ऑफ कर दिया, NPA में जाने का मतलब ये है उनके खिलाफ में जो है सूट फाइल करना। ठीक है भंवर जी, वापस आएंगे छोटे से ब्रेक करते हुए, आपकी जेब पर भार भी
डालने वाला है। बिल्कुल विजेंद्र, हम जो बात कर रहे थे एक बार फिर से आना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मोबाइल के दाम यहाँ सस्ते भी हो रहे हैं और उसको यहाँ पर शंकर साहब बढ़ाने की बात कही जा रही है, एक्सपोर्ट हब के तौर पर हर जिले को विकसित करने की बात कही जा रही है, क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो कितना टाइम लगे, क्योंकि इसमें एक ऐसा कोई टाइम ड्यूरेशन या डेडलाइन नहीं कही गई है, दी गई है, क्योंकि अगर ये हो गया तो वाकई में रोजगार अपने आप बहुत आ गया। सारे बजट का ओवरऑल एनालिसिस कर लें, उसमें किसानों को 283 करोड़ रुपए का 2.83 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है, किसान गरीब और एग्रीकल्चर के ऊपर, जो पिछले बजट की बजाय 45,000 करोड़ रुपए ज़्यादा है। मेरा मानना यह है कि जब तक ग्रामीण व्यवस्था आपकी ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे पहले नरेगा के थ्रू बहुत पैसा जाता था, वहाँ नहीं जाएगा तब तक खुशहाली नहीं आएगी। तो ये जो 45,000 करोड़ रुपये एडिशनल जो गाँव में जाएगा, निश्चित रूप से उससे खुशहाली आएगी। 100 करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करेंगे, उससे निश्चित रूप से रोजगार बढ़ेंगे। मेरे को इस सारे बजट के अंदर कोई ऐसी बुराई नहीं लगती है, एक्सेप्ट वन थिंग इज कि ये जो आपने जो नया स्लैब और पुराना स्लैब किया है, तो मेरा मानना ये है कि आज हिंदुस्तान में कोई 2,000 रुपये 3,000 रुपये 5,000 रुपये महीने का भी व्यक्ति कमाता है तो वो 500 रुपये अपने अच्छे बुरे समय के लिए बचत करके रखता है। और हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज तक जो स्टेबल है, उसका कारण मैं बार बार मैं यहाँ इस मंच पे भी बोलता रहा हूँ कि हमारी यहाँ की इकोनॉमी बचत बेस इकोनॉमी है, सेविंग्स पे, बाकी देशों की इकोनॉमी। लेकिन यहाँ पर दो धाराएं हो जाएंगी, क्यों कर देता हूँ, दूसरे देशों की इकोनॉमी बचत बेस इकोनॉमी नहीं है। वहां पर मान लो किसी की 10,000 रुपए इनकम है तो वो 10,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट और उसके हिसाब से पूरा खर्चा करके रखता है। अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ बचत पे ऐसी इकोनॉमी है। अब क्या है कि अगर कोई आदमी बचत करना चाहता है तो बचत के साधन ATC में और उसमें छूट मिलती है, वो छूट मिलती है तो वो सब खत्म हो गई है, तो वो नया जो स्लैब बनाया है, मेरा मानना है दोनों पे आपके पास विकल्प है, नहीं विकल्प है, आप एक मिनट मेरी बात सुन लें, विकल्प है वो दोनों में जो भी कंपेयर करके कर लेगा वो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। उससे फर्क क्या, उससे फर्क पड़ेगा एक नेगेटिव रिमार्क कर रहा हूँ, फर्क उससे ये पड़ेगा कि जो लड़के नए नए जैसे मान लो आज लाइफ इंश्योरेंस में आईसीआईसीआई सेक्टर में है, कोई ना कोई कंपनी जाते हैं और वो हमारे पास आते हैं कि साहब इतने रुपए बचत कर लो तो आपको इतने रुपए की छूट मिल जाएगी, इतनी छूट मिल जाएगी, वो कह करके, तो वहां पर एक माहौल ऐसा बन जाएगा, भले ही उससे बचत में फर्क न पड़े उनके, पर माहौल उस क्षेत्र में ऐसा बन जाएगा कि वो नए लोगों को रिक्रूट करेंगे नहीं और पुराने में भी कुछ कम करने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना ये है, दीपेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, एक मिनट बस, इसमें 83,000 करोड़ की जहां बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर एलोकेशन के लिए, मैं सरकार स्पष्ट तो करे कि कहां कहां खर्च करेगी सरकार, कहां दिया है, ये आप मेमोरेंडम देखो उसमें है, दीपेंद्र बजट तो बनेगा ही तब जब कहां से आएगा और कहां जाएगा ये प्रॉपर लिखा जोखा होगा। पढ़ते समय शायद जनता को पूरा अगर एक कुछ कुछ भी एक्ट वो दे देते हैं अगर एक रेल बजट को छोड़ दिया जाए तो आप अगर कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि बैंक को लेकर ये बहुत बड़ी चीज है कि बैंक बहुत लॉस में है। बैंक राजवंशी जी, बैंक के लिए क्या आप थोड़ा सा डिपॉजिट वाला जो कवर बढ़ा है उससे लोग फिर से बैंक की तरफ बढ़ेंगे, वो एक ट्रस्ट फिर से आएगा? 100% एग्री करता हूँ कि जो बैंक में एक इंश्योरेंस की लिमिट होती थी डिपॉजिट पे, वो 1,00,000 से 5,00,000 बढ़ाई है PSU बैंक्स के केस में, तो डेफिनेटली विश्वास बढ़ेगा। अभी PMC बैंक का सबने देखा है कितना अनफॉर्चुनेट है, 1,00,000 से ज्यादा की गारंटी लेते ही नहीं था पहले बैंक, अब 5,00,000 उसकी लिमिट करिए, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बैंकों में पैसा भी आएगा, प्लस जो गवर्नमेंट है वो बैंक्स में कैपिटल इन्फ्यूज करेगी वो भी है, तो उससे ओवरऑल इकोनॉमी में डेफिनेटली अच्छा एक इंजेक्शन, जिसको कह रहे थे इंजेक्शन लगा दिया है, लिक्विडिटी की बात हो रही है, लिक्विडिटी होना बहुत, लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने जिस तरीके से बोल दिया कि भाई 5,00,000 तक आपका कोई पैसा नहीं है, उसे बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो आदमी जानबूझकर मजबूरी में सेविंग करता है, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है कि चलो ठीक है इस बहाने पैसा भी सेव होगा, बिल्कुल टैक्स भी सेव होगा, बिल्कुल, लेकिन अब आपने उन चीजों को खत्म कर दिया, इसका असर भी पड़ेगा, खत्म नहीं, ये दो तरीके से है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दो तरीके से, कि एक तरफ आप फ्री है, आप पैसा खर्च करेंगे तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, दूसरी तरफ सेविंग है, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद आपके मन में एक सिक्योरिटी है और एक सेविंग की बात आ जाती है, शायद मेरे ख्याल से ये दोनों ही चीजों को, दो धाराओं को उन्होंने एक साथ ले जाने की कोशिश की है, दोनों के लिए दो धारा खत्म हो चुका है, तो मैं हाउसिंग लोन की छूट नहीं ले रहा हूँ, ये रिक्वायरमेंट है अभी इकोनॉमिक्स की, आपके पास लिक्विडिटी भी हो और इधर सेविंग भी हो, दोनों चीजें हो, शायद पैरेलल चलनी बहुत जरूरी है, ठीक है बैंक में, ठीक है वामदल के चश्मे से देश समझ लेते हैं, क्योंकि बाकी चश्मे सारे चश्मा लगा भी रखा है, वामदल का चश्मा इस बजट को लेकर क्या, ये जो बजट पेश किया है ये बहुत निराशाजनक है, पहली बात तो इनकम होगी 22,00,000, निराशा हुई कहां से, नहीं सुनिए ना बाप, बताते तो जाएंगे, मैं बताता जाऊं साथ साथ बजट का आंकड़े दे रहा हूं, 22,00,000 करोड़ इनकम है और 30,00,000 करोड़ का खर्चा करेंगे, अम्मा के पास नहीं दाने चल रही है बुनाने,
तीस लाख कहाँ से खर्च कर दोगे, 22 लाख की इनकम होगी, तो कहाँ से देगा? सुनिए सर, सुन तो लीजिए एक बार, सर एक बार सुन लीजिए, अच्छा मुझे ठीक है, मुझे एक बजट ऐसा बता दीजिए, स्टेट का या स्टेट का सेंटर का, स्टेट का सेंटर कोई भी बजट बता दीजिए जो इससे अधिक। भंवर साहब, भंवर साहब इकोनॉमिक्स पर बदल देंगे आप तो बजट के प्रोसीजर को ही बदल देंगे आपके हिसाब से। पहले बोला था ना हमेशा रहता है उसका कभी स्मार्ट सिटी सर बैलेंस बैलेंस शीट बनेगी ना। अच्छा भंवर साहब, भी विरोध के लिए विरोध है या सही में विरोध है? मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इस बजट को आप देखिए, प्राइवेटाइजेशन करने का बजट है, प्राइवेटाइजेशन करने का बजट है, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन, LIC का प्राइवेटाइजेशन, बेचेंगे LIC को, उसके साथ साथ में राजस्थान के लिए बहुत बुरी खबर है, वो आपको भी नहीं पता चलेगा। LIC का फंड था IDBI बैंक में, IDBI बैंक राजस्थान के थर्मल प्लांट जो सूरत में है, सूरत और कोटा में, वो बंद किए जाएंगे, इसे इसमें घोषणा कर दी गई है, वो कितना बड़ा नुकसान राजस्थान को होगा उसका भी आकलन जरा राजस्थान के वे पे करें आप, कि हमारा कितना बड़ा रोजगार जाएगा। थर्मल प्लांट को बंद करने की घोषणा इन्होंने कर दी आज, कि जिनसे कोयले की धुआं निकल रहा है, लेकिन ये अपने मित्र को जो अडानी जी है उनको 15% की पावर जनरेशन के लिए छूट दे दी, बाकी सेक्टर में क्यों नहीं छूट दिए? आप समझते नहीं बजट के पीछे कौन चलते हैं, ये पूंजीपतियों का बजट है भाई साहब, कोई गरीब आदमी का बजट नहीं है, क्या दे दिया आम आदमी को? अभी पिछले दिनों में महंगाई, जबकि फिर पहले 20 लाख के ऊपर 30% था, सरकार जो है सरकार को भंवर साहब, भंवर साहब सुनिए भाई साहब, सरकार को लो एंड ऑर्डर, सर 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 सुनिए भंवर साहब, आपका कंफ्यूजन दूर तब होगा, यहां 30% आ रहा है, अरे सुनिए देश को बढ़ा, भंवर साहब आप दिल्ली का तेज सुनते ही नहीं है आप पर, ठीक है एक मिनट सर, एक मिनट आपका कंफ्यूजन टैक्स को बहुत ज्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो सारे लोग हैं समझाएंगे आपको, आप कितने सारे लोग हैं, सबको मौका दीजिए, मैंने 20 लाख में नहीं था जी, अब रुक जाइए, सर 10 लाख के ऊपर था, अरे 10 लाख में था, बहुत बड़ा सवाल है, सर ये कह रहे हैं, अरे बहुत बड़ा सवाल किया इन्होंने, 10 लाख के ऊपर था आपको पता ही नहीं है, देखिए क्या हुआ कि सबसे बड़ा LIC का अगर छोटा सा टुकड़ा सरकार बेच दे, पूरी भी बेच दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जहां पर सबसे ज्यादा पैसा है LIC, क्योंकि सरकार लो एंड ऑर्डर, शिक्षा और चिकित्सा, इन तीन महकमे के अलावा किसी में इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए सरकार को, ये मेरा मानना है, बिकॉज अच्छा। अगर प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकार, करे भले ही, लेकिन उसको स्पष्ट करे सरकार, कंट्रोल पावर भी होना चाहिए, कंट्रोल के नॉर्म करे, 20% मैं खत्म करूं, एक्चुअली क्या है, आप रेलवे को आप बेच रहे हैं, बेचो कोई दिक्कत नहीं, सोलर प्लांट लगा रहे हैं, वो प्लांट जा रहे हैं, रेलवे को कौन बेच रहा है, उनको कहीं रेलवे को अच्छा है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, रेलवे में इनकम जनरेट हो रही है, उनको जल्दी जाना है, 5 मिनट पहले भाई साहब, क्या बेवकूफ बना रहे, सब कुछ लोग फ्लाइट से जाते हैं, पैसे देने वाला जाएगा, रेलवे का प्राइवेटाइजेशन आम जनता का परिवार है, सुनिए सुनिए, सरकार जो है कल्याणकारी सरकार, सुनिए उसकी जिम्मेदारी है, सुनिए सर, परिवहन के साधन उपलब्ध कराना, जी रुकिए सर, आप रुकिए, अरे सर रुकिए सर, डबल किराया, अरे रुकिए सर रुकिए सर, लाने से बात सही नहीं होगी, किसान का सामान ले जाने के लिए प्राइवेट ट्रेन जी, जो सरकारी ट्रेन क्यों नहीं चले, किसान का सामान ले जाने के लिए इसमें बजट में दिया है, अरे सर अब रुके प्लीज, अदरवाइज म्यूट करना पड़ेगा, बाकियों को भी मौका दीजिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, चाय चाहिए, अच्छा सुनिए सर, ठीक है रुके सर, दूसरों को बोलने दीजिए सर, एक मिनट, अब एक चीज, बहुत देर से मैं आपको सुन रही थी, ठीक है सर बताइए, लेकिन जो इकोनॉमिक, एक मिनट को जरा इनसे पूछ लूं, आपको पता है कि रेलवे की अर्थव्यवस्था भी है क्या, या पिछले कितने सालों से क्या अर्थव्यवस्था है, देबो राय कमेटी कब बनी थी, उसने क्या सिफारिश क्यों बनवाई गई थी, आपको पता है क्या, सरकार सब आप लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है, कि कोई ऑप्शन उठा है सरकार, ठीक है भाई साहब, ठीक है वैसे भी वाम दल को सुनने वाले बहुत कम है, लेकिन ठीक है रुक जाइए राधे श्याम जी, भंवर जी रुक जाइए प्लीज सर, भंवर जी रुक जाइए, देखिए जितने देश के मीडिया चैनल है वो केवल टैक्स को दिखा रहे हैं, और कोठारी साहब क्या जानना चाहूंगा, बात रोजगार की व्यापार की है, हम इस टैक्स को रोज के रहेंगे, जब इनकम होगी तो टैक्स ज्यादा कटेगा आदमी, जब पैसा आएगा तभी तो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, तभी तो रोजगार होगा, मूल जो फोकस है, अहम बात बताने जा रहा हूँ मैं, एक मिनट, मूल जो फोकस होना चाहिए था वो रोजगार व्यापार, ठीक है, देश की आर्थिक स्थिति इसमें मंदी चल रही है, तो जो कृषि क्षेत्र हमारा उसके बाद में दूसरा सबसे बड़ा सेक्टर है देश में कुटीर उद्योग,
जिसमें खादी बुनकर हैंडलूम उनके लोगों के लिए जो पहले बजट में जो प्रावधान होता था वो केवल 1,000 करोड़ का किया। मैं समझता हूँ इस देश के अंदर अगर आपको रोजगार देना है तो जो परंपरागत जो हमारे उद्योग धंधे थे जिस प्रकार हैंडलूम थी खादी थी उनके बुनकरों को जो हम छूट देते थे रिबेट देते उसे देश में वो रोजगार का वातावरण बनता था। मुझे जो पहले का बजट था क्या उसमें छूट नहीं दी गई थी? उसकी बजट की छूट दी लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। अभी कागज तो बिना बिना बढ़ा रहे हैं तो सर ये भी बजट कल इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। मैं आपको सरीन साहब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार फोकस कर रहे हैं आप। कोई भी बजट उठाइए मोदी सरकार का पिछली और अभी सबसे ऊपर एक लाइन होती है इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस। और कितना टाइम लगे क्योंकि सर स्थितियां वैसी नहीं है वेट एंड वॉच सिचुएशन। एक और एक बात एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आरबीआई ने जब 10,000 करोड़ के बॉन्ड फंड इन फंड की बात कही थी तो एटलीस्ट आरबीआई की बात तो हम मानने की सिचुएशन में थे कि नहीं थे। देखिए मैं आपको बताऊं आप सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए मैं आपको एक उदाहरण के साथ चालू करूंगा। आज राष्ट्रीय राजमार्ग योजना अटल सरकार द्वारा चालू की गई उसका इफेक्ट आज नजर आ रहा है कितने सालों बाद। इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी प्रोजेक्ट 10 से 15 से 20 साल से कम नहीं हो सकता। आज आप जो सड़क पे गाड़ी लेके निकलते हैं तब आपको पता लगता है कि हाँ अटल जी ने जो योजना चालू करी थी उसका लाभ है इस देश को। तो ये योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इसलिए की जाती है कि आने वाला भविष्य सरकार कोई भी हो जनता ने दिया। अरे सर आपकी सरकार को तो नकार दिया आपकी पार्टी को देश में नकार दिया विश्व में नकार दिया आपकी पार्टी का तो इसलिए आप तो मत बोलिए। अरे आपका भी विश्व का खत्म होने वाला बाकी 2.83 लाख करोड़ कृषि में आएगा और कितने सेक्टर्स में कितना पैसा आएगा वो सब बना। अच्छा है फैसिलिटी मिली है ना पैसा फैसिलिटी मिली है मोदी सरकार की पिछली सरकार के अंदर प्रीपेड मीटर लग जाएंगे और किसके लिए कर रहे हो पूंजीपतियों के लिए आप एक बात बताइए जब जाते पैसा दे देते थे आप पहले दो पैसा भाई क्यों। अरे साहब एक बात बताइए सड़क नहीं होगी तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो माल मार्केट में पहुंचे कैसे खरीद कैसे होगी। आज की पॉपुलेशन को पैसा देने में प्रॉब्लम नहीं है फैसिलिटीज चाहिए। भंवर जी देखिए सुनिए सर अच्छा सुनिए सर भंवर जी सुनिए तो सर सर प्लीज सुनोगे नहीं तो बोलेंगे सर प्लीज एक बार सुनो एक तो सर प्लीज सबको मत टोकिए और दूसरा ये कि आप ये जो जिस तरीके से बोल रहे हैं ना सर कोई उसका फैक्ट तो होनी चाहिए ना। आप ये सुनिए सर प्लीज सुनिए एक बार सुनिए सर प्लीज आपने पहला एलिगेशन लगाया कि रेल को प्राइवेटाइज कर दिया गया कर रहे सिर्फ कुछ सर सुन लीजिए सर। दूसरा आपने आरोप लगाया है कि जो टोल टैक्स है उसका पैसा आपसे एक्स्ट्रा पहले लिया जाता है। आप मुझे बताइए कि आप किसी टोल पर जा रहे हैं अगर उस टोल तक आप नहीं पहुंच रहे क्या आपके अकाउंट से पैसा कट रहा है? अरे मैं पूछना चाह रहा हूँ क्या कट रहा है आपके बैंक अकाउंट के अंदर पैसा है? सर मैं पूछ रहा हूँ बैंक जाना है लेकिन मुझे एडवांस पैसा डालना ही पड़ेगा। सर क्यों डालना पड़ेगा आपको क्यों डालना पड़ेगा भाई क्यों डालू मैं जाऊँ जब दे दूँ ना तो दीजिए ना। आप जब उस टोल पर जाना चाह रहे हैं उससे पहले अकाउंट में डाल लीजिए क्या लॉजिकल बात है सर? गलत बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा सर। सर देखिए विरोध कीजिए लेकिन पब्लिक क्या सोच रही है सर पब्लिक तक आप गलत चीजों को मत पहुंचाइए। नहीं गलत चीज सर गलत फैक्ट्स की बात करते बजट में जो फैक्ट्स हैं आपकी गाड़ी अगर टोल पे 10 मिनट रुकती है तो कितना डीजल पेट्रोल खर्च होता है वो देश का और आपका नुकसान नहीं है क्या? अभी भी रुक रही है। अगर आपको जाना है आप ऑनलाइन 100 रुपए का पेमेंट ठीक है सर आप बहुत दूसरे मुद्दे पर चले गए। अभी हम एमएसएमई सेक्टर की बात कर रहे थे क्योंकि 50% हमारी अर्थव्यवस्था उस पर डिपेंड करती है हमारे ग्रामीण अगर अर्थव्यवस्था की बात करें कारोबार की बात करें तो उसी में आता है ठीक है। उनकी बैकबोन टूट गई थी नोटबंदी के बाद से उनको बूस्ट अप करने के लिए जितना ये रखा गया 27,000 करोड़ का क्या वो सफिशियंट आपको लगता है? 27,000 करोड़ के अलावा एमएसएमई को पिछली बार टैक्स में छूट भी दी थी और इस बार उनको टैक्स एग्जम्पशन 44AB से दे दी है अगर वो 95% तक चेक से या ऑनलाइन डीलिंग करते हैं तो ये भी बहुत बड़ा एमएसएमई सेक्टर को धीरे धीरे सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज छोटे व्यापारी थे ट्रांसपेरेंट हुई चीजें बेहतर है अच्छी है। कोठारी जी आप भी इससे सहमत होंगे कि अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पर जाते तो बेहतर है लेकिन मार्केट के लिए छोटे व्यापारी उनके पास कैश होना जरूरी है ना। हाँ वर्किंग कैपिटल स्टार्टअप के लिए अलग से पैसा रखे नोटों का चलन बढ़ा भारत में ठीक वही वो बहुत जरूरी है व्यापारों के लिए शायद छोटे उद्योगों के लिए कोठारी जी तो उसके लिए भी कुछ एक कोशिश होनी चाहिए थी। पहले मैं तो
मुझे समझ नहीं आ रहा हम चर्चा क्या कर रहे हैं। हम बजट को समझ रहे हैं या किसी पंथ को समझ रहे हैं या किसी दल को समझ रहे हैं? पहले अपना मैंडेट तो बता दीजिए कि हम लोग यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि हम सब उसमें शरीक हो जाते जो जो इस चर्चा का हिस्सा ही नहीं है आपका, ठीक है ना। भंवर सिंह जी कुछ कह रहे हैं उनको हम सुना नहीं चाहते, वो दवा दिए गलत बात है, आपको बोलिए आप इस पर राय रखिए। आपका मैंडेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई बजट और मैं, बजट और इंडस्ट्री, बजट और एग्रीकल्चर एंड बजट और हम, तो शायद हम बात करने में मज़ा भी आएगा, ठीक है ना। आपने जो बात उठाई है एमएसएमई की, देखिए आप निश्चित मांग के चलिए जापान हो चाइना हो उनके ग्रोथ में जो रोल एमएसएमई का है वो निश्चित रूप से अप्रिशिएबल है, हमारे देश में ऐसा नहीं है। क्योंकि मैं फिर आपको निवेदन कर रहा हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री जो सब्सिडी जो ग्रांट और जो रिबेट पे डेवलप होती है, जिस दिन वो सब्सिडी रिबेट खत्म होती है इंडस्ट्री भी कलेप्स हो जाती है। हमने आर एफ सी का हाल देखा है, रिको का हाल देखा है, हमने इंसेंट भी दे के इंडस्ट्री लगाई, इंडस्ट्री विड्रॉ हुए, कंपनी बंद हो गई है। कोई भी इंडस्ट्री डेवलप होती है अपनी कॉम्पिटेंस के ऊपर, अपनी क्वालिटी के ऊपर। हम निर्यात को बढ़ाने की इतनी कोशिश कर लें, हमारे हिंदुस्तान का निर्यात मोस्टली ड्रिवन बाई वॉट, एक्सपोर्ट सब्सिडी के ऊपर, नॉट ड्रिवन बाई क्वालिटी। और आज भी औसत हिंदुस्तान का निर्यात मॉडरेट होता है, क्यों? क्योंकि क्वालिटी में खरा नहीं उतरता है, तो उसको हम लोग थ्रू सब्सिडी के थ्रू एक बहुत चीपर रेट में भेजने की कोशिश करते हैं। सो कोशिश क्या करनी चाहिए, यू शुड बिल्ड द कैपेसिटी, स्ट्रेंथन द टेक्नोलॉजी एंड देन आस्क देम टू एंटर द मार्केट। हम उसको झुंझुना पकड़ा देते हैं, भाई तू बीमार हो गया चल, तू चल मत, हम तेरे को यही मिशन ठोक देते हैं। यू हैव टू डेवलप द इंडस्ट्री टू स्टैंड इट्स ओन फीट, वो हम लोग नहीं कर रहे, अप्रोच नहीं हमारी। और जहाँ तक रही, मैं वो फिर कह रहा हूँ सर, नए नए प्रोग्राम लोग ले जाते हैं सबमिशन, सर विद्या साहब कोई भी दो प्रोग्राम पकड़ लीजिए उसमें लॉजिकल एंट्री लेके जाइए। आज 6 साल हो गए जयपुर दिल्ली का नेशनल हाईवे आपका नहीं बना है, अटल जी को शायद तकलीफ हो रही होगी, कहीं बैठे होंगे। और आप बाकी पूरे हिंदुस्तान में घूमिए, ठीक है सर। सबको मैं रोकना चाहूंगा, एक बड़ी खबर इस वक्त की हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दरअसल दिल्ली के शाहीन बाग में